मोदी जी रिमार्केबल लीडर इज अचुरल बॉर्न लीडर मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया तो यही मोदी जी एक्सपेक्टिंग मोदी जी विल स्टार्ट डायलॉग स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान अगर आसुदा होगा पीसफुल होगा दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल कंप्लिशमेंट की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर उनकी पर्सनैलिटी उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नो डाउट इज एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं ये समझता हूं कि सतानवे करोड़ लोगों का वोट डालना इस 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 अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी और मैं समझता हूं कि uh, सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लान मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल है मैं समझता हूँ चार फेजेस चौथी फेज हुई है अभी उसका टर्न आउट है इज रिमार्केबल मेरा फैक्ट सी पॉपुलरिटी मोदी जी अपर एंड द राइज ऑफ इंडिया टू बी टोल्ड and you will see it in the future the people will learn, the hist uh, people will learn from uh, uh, indian democracy people will learn from the economy of india in the future uh, pakistan is going through economic crisis तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है आई एम एफ के पैकेजेस हैं आई एम एफ वहां पर आता है टैक्सिस मजीद उन ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं टैक्सीज है पेट्रोल महंगा है कई चीज़ें हैं बिजली बहुत महंगी हो चुकी है बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो इसी तरह के मसाइल कश्मीर पी ओ के कश्मीर उसके अंदर भी इसी तरह की चीजें देखी गई हैं लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा जो जुलूस पिछले दिनों में निकले बिजली महंगी होने की वजह से जिसको आज सुबह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया है सिक्सटी सिक्स बिलियन रूपीज़ का बल्कि अब ये दूसरा सवाल भी इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के ये पास ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कश्मीर को देंगे क्योंकि आई एम एफ इज लुकिंग इन टू इट अगला छः से आठ बिलियन के नए पैकेज को डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस और अफसोस के साथ ये है कि जो उनके ग्रास रूट इशूज हैं उन पर तोज आज भी नहीं दी जा रही एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाए दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जाए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए अकानमी सिर्फ ग्रो करती है वहां जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों जहां पर हालात साजगार हों ताकि फॉरन फौर, इन्वेस्टर आ सकें लोकल इन्वेस्टर भागे ना वहां से लोकल इस वक्त तो इशूज़ पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी इशूज जिसमें दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर अभी तक तोज्ह नहीं दी पर अफसोस के साथ ये कहूँगा लेकिन अल्टीमेटली पीपल जिस तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी लोग अनरेस्ट है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी uh, uh, भी है ये सारी चीजों का कम्बिनेशन है एंड वी विश दैट वी गेट सम लीडरशिप हु कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल अवे फ्रॉम दीज ऑल इशूज